Hey guys, welcome to the ninth lecture of the chapter Plant Kingdom. I am Harish Kumar और इस लेक्चर में हम Bryophyte Division के दो क्लासेस के बारे में जानेंगे जो कि है Liverworts और Hornworts. चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ Bryophytes. Bryophytes हमें पता है, Bryophytes जो है वो प्लांट किंगडम के दूसरे डिवीजन है. पहला डिवीजन क्या था याद करो, पहला डिवीजन था एल्गी. एल्गी जिसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल में जान लिया, एल्गी के क्लासेस के बारे में भी हमने पढ़ लिया. तो Bryophytes, ठीक है, अब आते हैं Bryophytes पे. Bryophytes जो होते हैं वो तीन क्लासेस में डिवाइडेड है. पहला Liverworts जिसे हेपेटिक ऑप्सिडा भी कहते हैं, दूसरा Hornworts जिसका एक और नाम है एंथोसेरोटॉप्सिडा, और तीसरा मॉसिस जो कि आखिरी है जिसका नाम है Bryopsida. तो आखिरी क्लास है मॉसिस. इस लेक्चर में हम Liverworts और Hornworts के साथ डील करेंगे. अगले आने वाले लेक्चर में हम मॉसिस और Bryopsida के बारे में जानेंगे. तो चलो सबसे पहले Liverworts से शुरुआत करते हैं. Liverworts का हमने देखा एक और नाम है हेपेटिक कॉप्सिडा, राइट. द प्लांट बॉडी ऑफ Liverworts इज थैलॉइड. थैलॉइड बॉडी होता है, यानी कि Liverworts में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स जो होता है वो एबसेंट होता है. थैलस बॉडी है ना. थैलस का जो शेप है, अब जो हमारा जो Liverworts है उसका जो प्लांट बॉडी उसका शेप होता है लीवर की तरह दिखने में, इसीलिए नाम पड़ा Liverworts. जैसे एग्जांपल देखो रिक्शिया, रिक्शिया हमारा एक मेंबर है Liverworts का जिसका शेप देखो कुछ ऐसा है दिखने में. ये विकिपीडिया का इमेज है, तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा. ओके, तो रिक्शिया कुछ ऐसा होता है दिखने में. अब मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया लीवर. अब देखो लीवर का शेप और रिक्शिया का शेप देखने में एक जैसा लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा. लेकिन लीवर को जब तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे जब लीवर को, तो लीवर में तुम्हें दिखाई देंगे छोटे छोटे लोब्यूल्स. इसे कहते हैं लोब्यूल्स ऑफ लीवर. ये रहा, कुछ ऐसे दिखने में होते हैं. देखो ऐसे लंबे लंबे पार्ट्स है ना, अपेंडेजेस है, तो कुछ ऐसा दिखने में होता है. और अब तुम देखो रिक्शिया को, रिक्शिया में भी देखो ऐसे अपेंडेजेस निकले हुए हैं, राइट. तो लीवर के अंदर क्या है? लोब्यूल्स ऑफ लीवर. और Liverworts का जो मेंबर है वो लोब्यूल्स ऑफ लीवर की तरह शेप होता है उनका भी. जैसे ये दोनों को देखो, अब ये दोनों का शेप आपस में थोड़ा थोड़ा बहुत मिल रहा है, ठीक है. तो इसीलिए नाम पड़ गया Liverworts, क्योंकि थैलस का जो शेप है, रिक्शिया का जो शेप है इज लाइक लोब्यूल्स ऑफ लीवर. थैलस शेप इज लाइक लोब्यूल्स ऑफ लीवर, इसीलिए नाम पड़ गया Liverworts. और Liverworts का एक और नाम है हेपेटिक ऑप्सिडा. ये नाम कैसे पड़ा देखो, लीवर के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं जिसको कहते हैं हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट सेल से ही 80% लीवर बना होता है. 80% जो लीवर है ना वो हेपेटोसाइट सेल से ही बना हुआ है, तो इसीलिए हेपेटासाइट लिख दिया मैंने. हेपेटो होगा टी ओ, हेपेटोसाइट का. तो इसीलिए Liverworts को हेपेटिक कॉप्सिडा भी कहते हैं. तो यहाँ पे तो हमने सारा नामकरण देखा, बेसिक चीज देखा. अब चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे मैंने एक अपेंडेजेस को, एक पर्टिकुलर अपेंडेज को यहाँ पे ड्रॉ किया है जूम करके, ठीक है. ये टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस है. तो हमारा जो रिक्शा का पूरा थैलस है देखो, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस का बना होता है, राइट. और ये टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस में दो रोज होता है, टू रोज. इसका मतलब देखो, यहाँ देखो तुम, देखो हर एक एक जो लीफ लाइक अपेंडेजेस है यहाँ पे देखो, ऊपर जाके दो रो बना हुआ है, एक ये एक ये. यहाँ पे देखो इसमें देखो दो रो है, लाइनिंग दिख रहा होगा तुम्हें, एक ये एक ये. जैसे ये देखो यहाँ मैंने बनाया एक ये अपेंडेजेस, ये एक अपेंडेजेस, ये एक अपेंडेजेस, ये एक अपेंडेजेस. तो जितना भी जो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस है ना उसमें दो दो रोज है. देखो ये जैसे ये वाला देखो, ये देखो ये अच्छे से दिख रहा है. यहाँ पे देखो दो रोज है, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा. जैसे यहाँ पे एक ये रो, एक ये रो, तो टू रोज. फिर यहाँ पे देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये. तो जो टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस है जिससे पूरा का पूरा रिक्शा थैलस बॉडी बना है वो दो रोज में डिवाइडेड है, ओके. और लीफ लाइक बोला है क्योंकि थैलस बॉडी है, ट्रू लीफ तो होगा नहीं. ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन. अब एक नोट है यहाँ पे, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल. डॉर्सी वेंट्रल होता है थैलस, यानी कि एक डॉर्सल साइड होता है, एक वेंट्रल साइड होता है. ये चीज समझो. मान लो ये जो कॉपी मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ, ये सॉयल सरफेस है, सबस्ट्रैटम है, सॉयल का सरफेस है, ओके. और ये जो मेरा हाथ है ना, ये जो मेरा हाथ है ये है रिक्शिया, ठीक है. अब ये जो हमारा सॉयल सरफेस है उसके हॉरिजॉन्टल रिक्शिया ग्रो करता है, प्रोस्ट्रेट भी जिसे कहते हैं, प्रोस्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ग्रो किया है. तो ऊपर वाला जो मेरा हाथ का हिस्सा है, जो देखो तुम्हें नाखून नजर आ रहे, ये हिस्सा हो गया डॉर्सल साइड रिक्शिया का. और नीचे वाला हिस्सा जहां तुम्हें मेरे हाथ की रेखाएं नजर आ रहे, लंबे लंबे लाइंस, ये हो गया वेंट्रल साइड रिक्शिया का. तो रिक्शिया कैसे ग्रो कर रहा है? ऐसे हॉरिजॉन्टल, डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ मुंह करके रखा है, और नीचे वाला साइड नीचे मिट्टी की तरफ, सरफेस की तरफ. जो वेंट्रल साइड है वो सरफेस की तरफ, नीचे सॉइल की तरफ
फेस करके रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी बनाया है, ड्राइंग से समझ में आएगा। ये जो है मैंने रिक्शा को हाथ से बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये डॉर्सल है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। और ये जो निचले वाला जो हिस्सा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो सॉइल की तरफ फेस करके रखा है, वो यहाँ पे मैंने ये बनाया है, ठीक है। लाइट ग्रीन से मैंने वेंट्रल का हिस्सा बनाया है, डॉर्सल से मैंने ऊपर वाला जो ये ग्रीन कलर का है, डीप ग्रीन, वो डॉर्सल हिस्सा है। तो डॉर्सल साइड जो है वो फेसिंग स्काई, स्काई की तरफ देख रहा है, ऊपर आसमान की तरफ फेस किया है। नीचे क्या है? सॉइल है, राइट। नीचे क्या है? सॉइल है। तो वेंट्रल वाला हिस्सा सॉइल की तरफ फेस किया हुआ है, ऑलराइट। तो डॉर्सी वेंट्रल थैलस होता है, समझ जाना, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने राइजॉइड्स बनाए हैं, राइजॉइड्स, एक मिनट जूम करने लगा। ये है राइजॉइड्स, ये देखो लंबे लंबे ऐसे यूनिसेलुलर स्ट्राइप्स है। ये राइजॉइड जो होता है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, लंबे लंबे थ्रेड लाइक, रूट लाइक दिख रहे तुम्हें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो राइजॉइड्स को रूट लाइक इसलिए बोला गया क्योंकि ये ट्रू रूट नहीं है, ट्रू रूट तो एबसेंट होता है क्योंकि थैलस बॉडी है। तो राइजॉइड जो है वो रूट लाइक होते हैं, रूट की तरह होते हैं दिखने में, जो कि अटैच करते हैं लिवर रूट्स यानी कि रिक्शिया को टू द सबस्टैटम। रूट की तरह काम करते हैं, ट्रू रूट नहीं होते, रूट लाइक होते हैं जो कि हमारा जो वेंट्रल साइड है रिक्शिया का वहां ग्रो करते हैं, और वेंट्रल साइड में ग्रो करेंगे राइजॉइड, राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो राइजॉइड्स है, ये राइजॉइड्स हमारा रिक्शिया को यानी कि हमारा लिवर रूट्स को सॉयल के साथ अटैच कर रहा है, ठीक है, सॉयल के साथ अटैच कर रहा है, अटैचेस द लिवर रूट्स टू द सबस्ट्रैटम। ओके, नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं हैबिटेट कि कहाँ पे लिवर रूट्स जो है वो ग्रो करते हैं। मॉइस्ट एरिया में, शेडी, यानी कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सन के कॉन्टैक्ट में नहीं, शेडी किसी चीज के छाव के अंदर, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छाव में ग्रो करेंगे, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, यानी कि लंबी लंबी झील होती है, नदियां होती है, उसके किनारों पे, बैंक्स पे, ठीक है, किनारों पे, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, झील के किनारों पे, क्योंकि मॉइस्ट होता है झील का किनारा, राइट। झील का जो किनारा है कैसा होगा? गीला गीला होगा। मार्शी ग्राउंड यानी कि वेट लैंड, जहाँ पे बहुत सारा वेट वाटर लैंड जहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत ऐसा ग्राउंड जहाँ पे हर थोड़े थोड़े जगह पे बहुत सारे पानी प्रेजेंट है, वहां पे ग्रो करेगा। डैम्प सॉइल, गीला मिट्टी। बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ होते हैं, पेड़ का जो ट्रंक होता है उस पे देखना छाला जैसा रहता है, उसको कहते हैं बार्क, तो उस छालों पे ग्रो करता है, यानी कि बार्क ऑफ ट्रीज पे। डीप इन द वुड्स, वुड्स का मतलब यहाँ पे है फॉरेस्ट, ऐसा नहीं कि डीप इन द वुड मतलब लकड़ी के एकदम गहराई में ग्रो कर रहा है, नहीं, डीप इन द वुड्स मतलब गहरी जंगलों में ग्रो करता है, गहरे घने घने जंगलों में, एकदम गहरी अंदर जाओगे, जितना अंदर जाओगे जंगल के उतना तुम्हें लिवर रूट्स देखने को मिलेंगे। तो डीप इन द वुड्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम सॉयल, मार्शी ग्राउंड, बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि बेसिकली मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने लिवर वुड्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा। मूविंग ऑन, अब तुम्हें एनसीईआरटी में लिवर वुड्स का एक और एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जिसका नाम है मार्केशिया, ठीक है। इसका फिगर ये रहा, एनसीईआरटी का डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है मार्केशिया का, जो कि एक लिवर वुड्स है। इस डायग्राम को, इस फिगर को अच्छे से दिमाग में डाल लो, ठीक है। देखो, इस मार्केशिया को तुम अगर देखोगे तो मार्केशिया का दो थैलस होता है, ठीक है। एक थैलस होता है फीमेल थैलस और एक थैलस होता है मेल थैलस, ठीक है। फीमेल थैलस में क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं आर्किगोनियोफोर। अब याद करो, प्लांट में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम कहते हैं आर्किगोनियम। तो ये आर्किगोनियोफोर किससे डिराइव हुआ है? द वर्ड फ्रॉम आर्किगोनियम से ही आया है, ऑलराइट। और मेल थैलस में देखो, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है एंथ्रीडियोफोर, और एंथ्रीडियोफोर कौन से वर्ड से आया है? एंथ्रीडियम से, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट में, ठीक है। तो जो हमारा मार्केशिया है, जो कि एक लिवर वुड्स है, उसका थैलस दो, मतलब दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक फीमेल थैलस, एक मेल थैलस, ओके। फीमेल थैलस पे हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है, मेल थैलस पे हमें मेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है। अब इसके अलावा देखो, एक स्ट्रक्चर है गेमा कप, गेमा कप, या इसे बहुत जन जेमा कप भी बोलते हैं। गेमा कप जो है, इसके बारे में हम अभी मतलब अभी आगे देखेंगे। गेमा कप जो होता है वो असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आता है लिवर वुड्स, ठीक है। जब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे तब हम ये गेमा कप का फंक्शन पढ़ेंगे, ऑलराइट। राइजॉइड्स हमें पता है क्या? वही रूट लाइक स्ट्रक्चर जो क्या कर रहे हैं, थैलस को सबस्ट्रेटम यानी कि सॉइल से अटैच कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ नीट में कैसा क्वेश्चन आता है, देखो नीट पे क्वेश्चन आएगा कि कोई भी एक थैलस का तुम्हें फिगर क्वेश्चन में दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये कौन सा थैलस है, मार्केशिया का मेल थैलस है या फीमेल थैलस है, और वहां पे कुछ ऐसे लेबलिंग नहीं रहेगा। तो तुम्हें अच्छे से इस फिगर को दिमाग में डाल लेना है, इन दोनों फिगर को, ठीक है, तभी तुम आंसर कर पाओगे कि कौन सा
थैलस है मार्केशिया का। तो देखो कैसे आंसर दोगे तुम, क्या करोगे, सीधा पहुंच जाओगे सेक्स ऑर्गन की तरफ, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन देखो कैसा है, ऐसे लंबा है और यहाँ पे ऐसे देखो फूल की तरह, फ्लावर की तरह सब बिखरे बुखरे हुए, कुछ चिपका हुआ नहीं है। बट तुम जब एंथ्रीडियो फोर को देखोगे मेल सेक्स ऑर्गन, तो ऐसे सब कुछ चिकरे हुए, चिपके हुए एक साथ अरेंज्ड, जैसे कि ये देखो आर्किगोनियो फोर का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि मार्केशिया का जो फीमेल थैलस है उस पर आर्किगोनियो फोर है, कुछ ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और राइट, लेकिन एंथ्रीडियो फोर जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या है, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है ऐसे देखो इसे चिपका हुआ है। और राइट, तो तुम्हें क्या अच्छे से जानना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर और मेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर किस पे, मार्केशिया पे, तभी तुम बता सकते हो कि कौन सा मेल थैलस है और कौन सा फीमेल थैलस है। ओके चलो मूविंग ऑन। अब आया रिप्रोडक्शन इन लिवरवुड्स, लिवरवुड जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस किए कि प्लांट किंगडम में जब हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, प्लांट किंगडम में कितना डिवीजन है, पांच है, एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जब हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था और एल्गी के जितने भी क्लासेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जब हमने रिप्रोडक्शन देखा था, तो हमने रिप्रोडक्शन को तीन मोड में डिवाइड किया था, याद करो, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा था। असेक्सुअल में हमने देखा था कि कैसे असेक्सुअल स्पोर से जो एल्गी के जो मेंबर्स है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। असेक्सुअल में हमने देखा था कि सेक्सुअल स्पोर बन रहा है, राइट, सेक्सुअल स्पोर बन रहा है, गैमेट बन रहा है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। बट जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में हम वेजिटेटिव और असेक्सुअल को एक साथ पढ़ते हैं और सेक्सुअल को अलग पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, देखो क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जब रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव से, तो वेजिटेटिव मेथड से होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और गेमा कप से, जिसके जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे होता है गेमा कप। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट से और सेक्सुअल स्पोर से, ओके, सेक्सुअल स्पोर से। ऑलराइट, बट सॉरी फॉर द नॉइज, कुछ आवाज आया होगा बैकग्राउंड पे। बट देखो क्या है, गैमेट सेक्सुअल स्पोर, बट जब लिवरवुड्स की बात करते हैं ना ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स में असेक्सुअल स्पोर बनता ही नहीं है, इसलिए हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग से पढ़ते ही नहीं है। इन ब्रायोफाइट्स यानी कि इन लिवरवुड्स, लिवरवुड्स क्या है, ब्रायोफाइट्स का है तो एक क्लास है ना, तो लिवरवुड्स में नो असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन अकर्स इन ब्रायोफाइट्स, ओके, कोई असेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है, इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स में असेक्सुअल और वेजिटेटिव को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर ब्रायोफाइट्स में क्वेश्चन आएगा नीट में, तो असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ भी दोनों में से बोल दे, तो फ्रेगमेंटेशन और गेमा कप ही आंसर जाएगा, ओके। बट एल्गी में अगर वेजिटेटिव पूछा तो तुम फ्रेगमेंटेशन बोलोगे, बाइनरी फिजन बोलोगे, और असेक्सुअल पूछा तो तुम असेक्सुअल स्पोर बोलोगे। बट ब्रायोफाइट्स में, यहाँ तक कि टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में जब भी हम रिप्रोडक्शन देखेंगे ना, तो हम सिर्फ दो भाग में रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, वेजिटेटिव जिसे असेक्सुअल भी बोलेंगे हम लोग, और सेक्सुअल, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ, कैसे फ्रेगमेंटेशन से और गेमा कप से लिवरवुड जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कैसे लिवरवुड रिप्रोड्यूस कर रहा है। देखो, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, फ्रेगमेंटेशन होता है थैलस का, थैलस है हमारा जो मान लो रिक्शिया है, ठीक है, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, और हर एक फ्रैगमेंट जर्मिनेट करेगा, ग्रो कर जाएगा एक नए रिक्शिया के थैलस में। फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, एक हमारा रिक्शिया है, उसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, और हर एक फ्रैगमेंट्स वापस से ग्रो करके एक नया रिक्शिया बन जा रहा है। ऑलराइट, तो बाय फ्रैगमेंटेशन हो रहा है असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा देखो, बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी, जिसका सिंगुलर टर्म हो गया गेमा, एक है तो गेमा, बहुत सारे है तो गेमी, ओके okay, तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैं गेमा कप की बात कर रहा था ना तब से मार्केशिया पे, अब उसके बारे में जानेंगे। देखो गेमी क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, हरे रंग के, देखो असेक्सुअल बर्ड्स है, असेक्सुअल स्पोर नहीं है, ओके तो ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स है, जो कि डेवलप होते हैं इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप। गेमा कप छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स है ऐसे, गेमा कप, उसके अंदर ग्रो करते हैं कौन, गेमी, ओके
और ये गेमा कप होते हैं लोकेटेड ऑन द थैलाई। अब आया यहाँ पे हमारा मार्केशिया, फीमेल थैलस मेल थैलस। देखो गेमा कप है, छोटे छोटे ये गेमा कप है, ये गेमा कप के अंदर, गेमा कप क्या है, रिसेप्टेकल्स है, इसके छोटे छोटे गेमा कप के अंदर कौन है, ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स यानी कि गेमी प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब क्या होता है, देखो गेमी जो होता है जो कि गेमा कप के अंदर प्रेजेंट है वो डिटैच करता है यानी कि टूट कर सराउंडिंग में चला जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। फीमेल थैलस में गेमा कप में गेमी होगा, मेल थैलस में गेमा कप में गेमी होगा, वो टूट के ठीक है सराउंडिंग में आ जाएगा। पेरेंट बॉडी क्या है यहाँ पे, फीमेल थैलस मेल थैलस जिसके ऊपर गेमा कप है। ऑलराइट, तो गेमी अब क्या हुआ, बाहर आ गया, सराउंडिंग में आ गया और जर्मिनेट कर जाता है टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल और एक नया थैलस बना लेता है मार्केशिया का। ऑलराइट, तो फीमेल थैलस मेल थैलस में क्या था, गेमा कप, उसके अंदर क्या था, गेमी, और वो गेमी क्या किए, डिटैच हुए, ठीक है, बाहर गए, सराउंडिंग में गए और जर्मिनेट कर गए एक नए फीमेल थैलस मेल थैलस में। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, कैसे लिवर रूट्स का जो मेंबर है वो असेक्सुअली या वेजिटेटिव वे से रिप्रोड्यूस कर रहा है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअली कैसे लिवर रूट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, चलो वो देखते हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर रूट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम आया है तो सेक्स ऑर्गन आएगा ही, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ईदर ऑन द सेम थैलाई या डिफरेंट थैलाई। सेम थैलाई हो गया रिक्शिया, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे बन रहा है रिक्शिया के केस में, और अलग अलग थैलस में बन रहा है मार्केशिया के केस में। जैसे ये देखो, मार्केशिया में फीमेल थैलस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है और मेल थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन बन रहा है, यानी कि डिफरेंट थैलाई पे सेक्स ऑर्गन बन रहा है। ओके, बट रिक्शा के केस में एक ही थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन बनता है और एक ही थैलस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट। द स्पोरोफाइट ऑफ लिवर वुड्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट। अब याद करो, जब मैं ब्रायोफाइट्स पढ़ा रहा था तुम्हें तो उसमें लाइफ साइकिल में मैंने बोला था कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनका प्लांट बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है, गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट। याद करो, गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, जब मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाया था। और ब्रायोफाइट्स का ही तो क्लास है लिवरवुड्स, तो लिवरवुड्स का भी प्लांट बॉडी दो सेक्शन में डिवाइडेड होगा, एक स्पोरोफाइट एक गैमिटोफाइट। अब देखो होता क्या, ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवुड्स इज कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमिटोफाइट की तरफ। देखो एक बॉक्स है यहाँ पे, इस बॉक्स को अच्छे से देखो तब ये वाला स्टेटमेंट समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ मैं। याद करो, गैमिटोफाइट होता है लिवर रूट्स का एक प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है गैमिटोफाइट। उस पे होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट बनाता है, यानी कि मार्केशिया के केस में आर्किगोनियोफोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, और एंथ्रीडियोफोर क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। ऑलराइट, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बना, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बना, फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट बना, दोनों का फ्यूजन हुआ। ऑलराइट, फ्यूजन हुआ, रिक्शा केस में भी वही हो रहा होगा, यहाँ पे मेल गैमेट बन रहा होगा, फीमेल गैमेट बन रहा होगा और फ्यूजन हुआ होगा। मार्केशिया केस में क्या होता है ना, एंथ्रीडियोफोर में मेल गैमेट बनता है और ये ट्रैवल करके जाता है, स्विम करके जाता है एग के पास जो कि है फीमेल गैमेट, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि स्विम करके कैसे गया मेल गैमेट, क्योंकि मेल गैमेट के पास फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला होता है तो तैर के चले जाते हैं। अब तैरते हैं तो वाटर चाहिए, वाटर, वाटर का मीडियम चाहिए, और मैंने कहा ही था कि हैबिटेट लिवर रूट्स का कैसा होता है, याद करो, मॉइस्ट जगह पे, मार्शी लैंड पे, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम पे, तो ऐसे डैम्प सॉइल में गीले गीले जगह पे पाए जाते हैं, तो हल्का फुल्का पानी भी आसपास रहता है, तो उससे स्विम करते हुए जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट यानी कि एग के पास पहुंच जाता है, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना। अब देखो हैप्लॉयड, हैप्लॉयड गैमेट क्या था, मेल गैमेट हैप्लॉयड था, फीमेल गैमेट हैप्लॉयड था, तो जायगोट जो बना होगा डिप्लॉयड बना होगा, ये जायगोट ग्रो करके बनाता है एम्ब्रायो, ठीक है। और देखो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी से क्या हो गया, एम्ब्रायो बना, और ये एम्ब्रायो फर्दर ग्रो करके स्पोरोफाइट बना लिया, यानी कि गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना, उनका फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रायो बना, और फिर गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप किया स्पोरोफाइट। मान लो ये जो मेरा मुक्का है ना, ये फिस्ट मुक्का, ये है गैमेटोफाइट, इसके ऊपर बन रहा है स्पोरोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट के ऊपर बन रहा है स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है इसमें होते हैं स्पोर मदर सेल, जिनमें होता है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद ये जो स्पोर मदर सेल है, देखो स्पोरोफाइट एम्ब्रायो डिप्लॉयड था ना, तो स्पोरोफाइट भी तो डिप्लॉयड होगा, ठीक है,
स्पोर मदर सेल से बना सेक्सुअल स्पोर, मियोसिस हुआ, और ये सेक्सुअल स्पोर जो थे वो फर्दर जर्मिनेट करके बना लेते हैं गैमेटोफाइट, देख रहे हो, और फिर इस गैमेटोफाइट में वापस से यही वाला प्रोसेस चलेगा, कंटिन्यू होगा। ओके, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट क्या चीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसके बारे में मैंने प्लांट किंगडम का लेक्चर 8 जो है ब्रायोफाइट, इसमें अच्छे से डिस्कस किया। तो अगर तुम्हें इस बॉक्स में थोड़ा भी कंफ्यूजन आ रहा है ना कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, तो जाके इस लेक्चर को देखो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, तो चलो अब हमारे स्टेटमेंट पे आते हैं। द स्पोरोफाइट ऑफ लिवर रूट्स इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। जैसा कि मैंने कहा, गैमेटोफाइट के ऊपर में स्पोरोफाइट बना है, तो गैमेटोफाइट के ऊपर में स्पोरोफाइट बना है, तो स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा है गैमेटोफाइट के ऊपर। किस किस कंडीशन पे? देखो, स्पोरोफाइट जो है वो फूड लेगा, स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट से फूड लेगा। ये जो हमारा स्पोरोफाइट है, कैमरे की तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से फूड लेगा, वाटर लेगा, यहाँ तक कि स्पेस भी लेगा। देखो, गैमेटोफाइट जो है वो उसी के ऊपर ग्रो किया है स्पोरोफाइट। ब्लैक पेन जो है वो स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट क्या किया है, गैमेटोफाइट का स्पेस लिया है, यहाँ तक कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से खाना भी लेगा, न्यूट्रिशन भी लेगा और पानी भी लेगा। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट लिखा गया है, द स्पोरोफाइट ऑफ लिवर वर्ट्स इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इसके बेसिस पे, फूड, वाटर और स्पेस के बेसिस पे। नेक्स्ट है, देखो, ये जो स्पोरोफाइट जो बना है ना गैमेटोफाइट के ऊपर, ये जो हमारा स्पोरोफाइट बना है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, फुट, सेटा और कैप्स्यूल। फुट देखो क्या है, ये हमारा गैमेटोफाइट, इसके ऊपर बना स्पोरोफाइट। ये जो रीजन है ना, ये रीजन देखो, ये जहां पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अटैच हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा स्पोरोफाइट का सबसे निचला वाला हिस्सा, इसको कहते हैं फुट, जो कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को देखो कनेक्ट करके रखा है, ये फुट। और बीच में जो लंबा वाला हिस्सा है पेन का, इसको कहते हैं सेटा, पेन का मतलब स्पोरोफाइट का, ठीक है, स्पोरोफाइट का सेटा। और ऊपर में बनता है कैप्स्यूल। तो स्पोरोफाइट तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फुट, सेटा और कैप्स्यूल। बट एक एक्सेप्शन है, रिक्शा के केस में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें फुट और सेटा नहीं होता है, सिर्फ कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल ओनली। बट मार्केशिया के केस में जो स्पोरोफाइट बना है उसमें फुट, सेटा और कैप्सूल तीनों होगा, लेकिन रिक्शा के केस में सिर्फ कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट पे। तो आई होप तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा कि लिवरवर्ट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें ये, मैं वापस से बोलूँ, अगर इस चीज़ को समझने में दिक्कत हुआ है ना, गैमेटोफाइट से कैसे ये स्पोरोफाइट बना, कैसे इसके ऊपर बना, तो लेक्चर 8 एक बार देख लेना, हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जाके क्लियर कर लेना। ओके, लेक्चर 8 ब्रायोफाइट्स का देख के। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिवर वर्ट्स, जिसे हेपेटिक ऑप्सिडा भी कहते हैं, पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, एग्जांपल देखा मार्केशिया, रिक्शिया, और रिप्रोडक्शन देखा कि कैसे लिवर वर्ट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब चलो हॉर्न वर्ट्स के बारे में जानते हैं, जो कि दूसरा क्लास है डिवीजन ब्रायोफाइट्स का। सो लेट्स स्टार्ट विथ हॉर्न वर्ट्स। हॉर्न वर्ट्स का एक और नाम है एंथोसेरोटॉक्सिडा। ओके, द प्लांट बॉडी ऑफ हॉर्नवुड इज थैलॉयड। इनका भी प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉयड है, इनमें भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ एबसेंट होगा। ऑलराइट, जैसे कि लिवरवुड्स में था ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एबसेंट था, वैसे ही हॉर्नवुड्स में भी ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एबसेंट होगा। एग्जाम्पल्स नोटोथाइलस और एंथोसेरोस, ये दो एग्जाम्पल हॉर्नवुड्स के अंडर में तुमको याद रखना है। ये रहा विकिपीडिया का डायग्राम, है कुछ ऐसा दिखता है, नोटोथाइलस और एंथोसेरोस। ओके, नेक्स्ट स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू, अब देखो लिवरवुड्स में स्पोरोफाइट बन रहा था गैमेटोफाइट के ऊपर, याद करो, वैसी हॉर्नवुड्स में भी गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनेगा। ओके, और जो स्पोरोफाइट है वो डिवाइडेड है इनटू फुट एंड कैप्सूल, कोई सेटा वेटा नहीं है, सिर्फ फुट और कैप्सूल। ओके, कैप्सूल जो होता है वो ग्रो करता है रैपिडली टू फॉर्म एनिमल हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए नाम पड़ा है हॉर्नवुड्स। स्पोरोफाइट का जो हमारा कैप्सूल है वो ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो करेगा, और एनिमल के सींग की तरह, हॉर्न की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखो एंथोसेरोस में देखो ऐसे लंबा लंबा सींग है, हॉर्न है ऐसा, ये क्या है, ये कैप्सूल है, स्पोरोफाइट के कैप्सूल है, ठीक है, जूम कर दे तो दिख ही रहा होगा, फिर भी जूम कर देता हूँ। ये जो तुम्हें लंबा लंबा यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है, ये कैप्सूल जो है स्पोरोफाइट का, जो कैप्सूल वाला पार्ट है वो ग्रो कर गया है, और देखो हॉर्न सींग की तरह लग रहा है, एनिमल के सींग की तरह, इसीलिए नाम पड़ा हॉर्नवुड्स। यहाँ देखो नोटोथाइलस में भी ऐसे देखो, ये ऐसे तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर में लंबा लंबा, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, तो इसीलिए नाम पड़ा है हॉर्नवुड्स। क्यों? क्योंकि जो कैप्सूल होता है वो ग्रो करता है रैपिडली टू फॉर्म एनिमल हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। याद करो लिवरवुड के केस में जो हमारा लिवरवुड था उसका जो स्पोरोफाइट था कंप्लीटली डिपेंड हो रहा था गैमेटोफाइट के ऊपर, स्पोरोफाइट
कंप्लीटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड था लिवर रूट के केस में, बट हॉर्न रूट के केस में क्या होता है, स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट होता है, यानी कि सिर्फ वाटर और स्पेस लेता है, सिर्फ स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से पानी लेगा और स्पेस लेगा, जगह लेगा ग्रो करने का, लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है हॉर्न वुड्स का वो होता है हरा और फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि अपना फूड खुद बना लेता है, तो पार्शियली डिपेंड कर रहा है सिर्फ पानी के लिए और स्पेस के लिए, स्पोरोफाइट खाना खुद से अपना बना ले रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने हॉर्न वुड्स कंप्लीट किया, तो लिवर वुड्स भी हो गया हमारा कंप्लीट, हॉर्न वुड्स भी हो गया कंप्लीट, बचा क्या, मॉसेस। मॉसेस के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है जिसका नाम ये रहा nitology_HK, तो जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, ठीक है, नोट्स अपलोड करता हूँ। ऑलराइट, तो तुम उस नोट्स को रेफरेंस की तरह यूज़ करके पढ़ सकते हो, वहाँ से बहुत कलरफुल रंग बिरंगे नोट्स है, जो कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है nitology_HK, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, निटोलॉजी चैनल का लोगो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और निटोलॉजी के अगर और भी वीडियोज़ तुम्हें देखने हैं तो यहाँ वॉच मोड के नीचे तुम्हें वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और निटोलॉजी के और भी वीडियोज़ देखो, उन्हें शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।